जी मेरी तरफ से भी जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक लॉन्ग रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा। लॉन्ग में भारती एयरटेल रहेगा, शॉर्ट में इंडिगो रहेगा। भारती एयरटेल में हम फ्यूचर्स पे देख रहे हैं कि एक इनिशियल मार्केट जब इतना गिर भी रहा था तो उस टाइम पे उसने स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाया है और अभी भी इम्पोर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है, तो यहाँ से फर्दर मूवमेंट की चांसेस बढ़ जाती है, स्पेशली अगर मार्केट का फॉल थोड़ा सा भी थमता है और थोड़ी सी भी सैनिटी लौटती है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 12:30 के करीब प्राइस है, यहाँ से 12:45 एंड 50 का टारगेट रखेंगे, 12:20 का SL लगेंगे, और 12:45 50 अगर 45 एंड 55 अगर निकल गया तो 65 की तरफ भी ये जा सकता है विद इन 2 to 3 days। और जहां तक इंडिगो की बात है तो इंडिगो में एक तो गिरावट आ रही है, दूसरी बात ये कि जो ये ग्लोबल इश्यूज चल रहे जियो पॉलिटिकल, उसकी वजह से जो क्रूड का ऑयल ऑन बॉयल है वो भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है इंडिगो के लिए, और इंडिगो में पास्ट में राइज भी बहुत आया है, तो यहाँ पे गिरावट मुझे नजर आ रही है। 3590 पे है फ्यूचर्स, अगर यहाँ पे 3620 का SL लगाया जाए ऊपर वाली साइड पे तो डाउन साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 3540 एंड 3510। तो इंटरग्लोब एविएशन शॉर्ट साइड का ट्रेड है 3540 के लिए, और भारती में तेजी का ट्रेड 1245 का टारगेट वहां पर रचना जी दे रही है। आगे वो चलेगा तो 1265 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो तेजी मंदी दोनों अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मार्केट अब 22350 के ऊपर निकलता हुआ तो थोड़ा सा अब स्टडी दिखने लगा है। मिड कैप्स में हम देख रहे हैं करीब करीब 500 पॉइंट की रिकवरी डे लो से तो जरूर आ गई है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन वीरू मारुति का शेयर डे लो इसका 12,032, वहां से करीब 350 पॉइंट चल चुका। बिल्कुल हर्षिता, और मेरे ख्याल से हर्षिता इस सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो ओपनिंग हुई थी ना, उस पे बाजार ने जिस जिस चीज़ को नीचे लोअर लेवल्स पे ग्रैब करने की कोशिश करी उनमें से आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, एक मारुति भी है। मारुति याद रखिएगा, मतलब अपने इस जनवरी 2024 से लेकर अब तक के वर्टिकल राइज में कभी भी 20 डे मार्की ट्रेजेक्टरी को क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट करके नहीं गया। अमित जी, आपका सेंस क्या कहता है मारुति पे? मतलब अब तक का प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि बाजार ने लोअर लेवल्स पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है मारुति पे, और सॉफ्टनेस शुक्रवार को थी, सॉफ्टनेस बुधवार को थी, बट क्या ये एंट्री में एक मारुति के लिए अच्छा पॉइंट होगा क्या, एंट्री करने के लिए मारुति में? जी विरेन जी, अगर मारुति का स्ट्रक्चर देखें तो जस्ट अभी अपना 20 डेमा को ये क्रॉस कर रहा है स्टॉक में। रिसेंटली हमने काफी फास्ट रनअप देखा था, तो उसके बाद जो लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन था उसको हम एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखेंगे। आज लोअर शैडो देखते हुए स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, लो लगभग 12,100 के आसपास बना है, तो अगर किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग हम छोटा सा रखेंगे 12,100 रुपए का, एंड वी कैन प्ले फॉर टारगेट्स फॉर 12,500, 12,600।